जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह के आप हैप्पी दिवाली स्टेटस वीडियो बना सकते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से। मैं हूं आपका दोस्त संजीत कुमार गौतम और स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सीने संजीत पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो बनाने में किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले आप काइनमास्टर एप्लीकेशन ओके कीजिएगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और 16:9 का रेजोल्यूशन सिलेक्ट कीजिएगा। मीडिया पे जाइएगा, मीडिया पे जाने के बाद एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कीजिएगा जो कि ब्लैक कलर का हो, और उसके बाद आप इसको उतना बड़ा कर लीजिएगा जितना बड़ा आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको इस लेयर में आना है, लेयर में आने के बाद मीडिया पे जाना है, और मीडिया पे जाने के बाद कुछ टैम्पलेट एंड पीएनजी है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम ये वाले ब्लैक स्क्रीन टैम्पलेट ऐड करेंगे, और टैम्पलेट ऐड करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद क्या करेंगे, पुनः आप लेयर पर जाइएगा, लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाइएगा, मीडिया पर जाने के बाद एक और टैम्पलेट वीडियो है जिसको कि आपको इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन जाने के बाद आपको स्क्रीन कर लेना है, स्क्रीन करने के बाद इसको ओके कर देना। अब क्या करना है इसमें आपको कि एक पीएनजी ऐड करना है दिवाली वाला, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ही फुल स्क्रीन कर लेंगे, और फुल स्क्रीन करने के बाद इसको फुल वीडियो तक कर लेंगे। करने के बाद क्या करना है आपको कि इसमें एक ऐसा पिक्चर ऐड करना है आपको, इमेज जिसका कि बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। तो आप सिंपली बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या कीजिएगा कि अपना कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा, उसमें remove.bg टाइप कीजिएगा, और वहाँ से आप अपना इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। तो उसी तरह से लेयर में जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद हम एक इमेज लेंगे जिसका कि बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ। तो अब आप कोशिश यह कीजिएगा कि फुल इमेज लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद क्या करना है आपको कि इसको भी फुल वीडियो तक कर देना है। अब क्या करना है आपको कि पुनः इसी इमेज पर क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और इसका डुप्लीकेट बना लीजिएगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद आप कोई भी एक इमेज पर क्लिक कीजिएगा और ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका ये इमेज इस तरह से रिवर्ट हो जाएगा। रिवर्ट करने के बाद क्या करना है आपको कि इस इमेज को दोबारा आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से इसको नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद अब जो राइट में जो ऑप्शन दिख रहा है अल्फ़ा ओपेसिटी, इस पर क्लिक कीजिएगा और ओपेसिटी इसका कम कर दीजिएगा, अराउंड 50% के आसपास तक आ जाइएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसमें एक और हैप्पी दिवाली का पीएनजी ऐड करेंगे। तो उसी तरह से लेयर पर जाइएगा, मीडिया पे जाइएगा, मीडिया पे जाने के बाद आप उसी तरह से एक हैप्पी दिवाली का पीएनजी लीजिएगा, और इसको आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लीजिएगा। छोटा बड़ा करने के बाद आप इसको एक कॉर्नर में या जहाँ भी आप अच्छा समझे वहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद आप इसको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाइएगा और इसमें जो है लाइटन कर देना है इसको। इसके बाद इसको भी फुल वीडियो तक कर देना है आपको। फुल वीडियो तक करने के बाद क्या करना है आपको कि इसमें आपको एक साउंड इफेक्ट डालना है। तो साउंड इफेक्ट डालने के लिए आपको उसी तरह से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद आपको ये वाला दिवाली सॉन्ग वीडियो ले लेना है। और लेने के बाद क्या करना है आपको कि पूरा वीडियो नहीं लगाना है आपको, इसको आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करिएगा। देखिए इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो गया, और वो जो आपको जो वीडियो दिख रहा था MP4 दिवाली सॉन्ग का, उसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक और हम टेम्पलेट वीडियो ऐड करेंगे। तो उसी तरह से लेयर पे जाइएगा, मीडिया पे जाइएगा, मीडिया पे जाने के बाद आप ये वाला टेम्पलेट वीडियो ऐड कीजिएगा, इसको इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने के बाद ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, इसके बाद ओके कर दीजिएगा। पुनः इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, राइट वाले ऑप्शन में इसमें क्लिक कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आने के बाद इसको स्क्रीन कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये वीडियो बनकर तैयार है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसको एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा वीडियो अट्रैक्टिव बना है और बनकर तैयार है। इसके बाद हम ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पुनः इसको सिलेक्ट करेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम जैसा भी चाहते हैं अपना रेजोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू वंस अगेन।